मैं शुरुआत इसलिए कर रहा हूं डॉक्टर राकेश पाठक की, जो 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 उम्मीद थी कि शायद 2024 की लोकसभा ज्यादा कंस्ट्रक्टिव होगी, लेकिन जैसा तेवर और जैसा पहले दिन का कंडक्ट और आचरण दिखाई दिया है, बिल्कुल कन्फ्रंट करने के उसमें बिल्कुल चाहते हैं कि जो विपक्ष है वो अपना मुंह सिल के रखे, कोई बातचीत ना करे, और अगर जरूरत पड़ती है तो हम अपने को सारी संसदीय मर्यादाओं को ताक पे रख के हम आपको बोलने नहीं देंगे, क्योंकि मैं स्पीकर हूं और मेरे हाथ में है। आपको क्या लग रहा है कि ये, अच्छा, मोदी जी खुद आते नहीं है सदन में, और मेरा पूरा ये मानना है कि मोदी जी, अगर राहुल गांधी अब सदन में रहेंगे तो मोदी जी वहां दिखाई नहीं पड़ेंगे, वो दिखाई नहीं दे सकते हैं। तो मैं पहली टिप्पणी राकेश पाठक की ले रहा हूं कि देश देख रहा है, और आपको कहीं नहीं लग रहा है कि भाई आप बातचीत तो हो जाने दें, बातचीत हो जाने के बाद आप कहिए कि इसमें ये गलती थी या ये सुधार हो सकता है या फलाना वो है, हम सब लोग भाई हो गया है, ठीक है, इसमें लीक हुआ है, हम इसका कुछ कर रहे हैं। जो आज व्यवहार है, और ये लगातार व्यवहार है, राज्यसभा में भी था, पहली टिप्पणी डॉक्टर राकेश आपसे ले लें। जी धन्यवाद आनंद जी। देखिए एक बात जो ओम बिरला जी ने कही, पहले मैं उस पर आना चाहता हूँ कि मेरे पास कोई बटन नहीं है। थोड़ा आगे बढ़कर उन्हें यह कहना चाहिए था कि मेरा खुद का बटन ही किसी दूसरे के पास है, मेरा रिमोट कंट्रोल ही कहीं और है। इसी सदन में एक कार्यालय है प्रधानमंत्री का, वहां से मैं संचालित होता हूँ, पर ये वो कह नहीं सकते, अपने कामकाज से प्रकट कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि इस बार ऐसा लगा था, लोगों को उम्मीद थी कि कम सीटें आई हैं, मिली जुली सरकार है, गठबंधन की सरकार है, तो शायद कुछ बदलाव, कुछ सौजन्यशीलता, कुछ विनम्रता सत्ता में और नरेंद्र मोदी में दिखाई देगी। लेकिन बड़ी विनम्रता से मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने सरकार बनने के तीसरे चौथे दिन दो तीन चैनल्स पे कहा था, मेरे ट्विटर पर मौजूद है, कि जिस दिन सूरज पश्चिम से उगेगा उस दिन नरेंद्र मोदी बदले हुए दिखाई दे सकते हैं, और मेरी बात पिछले 5 दिन के ही संसद के सत्र में साबित हो गई है कि फिलहाल सूरज पश्चिम से उग नहीं रहा, इसलिए नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार, उनके कठपुतली माननीय सभापति महोदय बदले हुए नहीं है। वे पिछली संसद में जो बर्ताव करते थे विपक्ष के साथ वैसा ही कर रहे हैं। जहां तक आनंद जी आज का चर्चा का जो विषय था, विपक्ष के दो सांसदों ने चर्चा का प्रस्ताव दिया, एक सांसद ने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया, चर्चा का जो नियम 267 है उसके अंतर्गत प्रस्ताव दिया गया, और इसमें कुछ भी आसमानी सुल्तानी नहीं है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा को रोक कर किसी गंभीर और आपात विषय पर सदन चर्चा कर सकता है। ये अधिकार सभापति के पास है, वो अनुमति दे देता, चर्चा हो जाती। राहुल गांधी क्या चाहते थे या विपक्ष क्या चाहता था? यही तो चाहता था कि इस देश के लाखों युवाओं के सामने संदेश जाए कि सरकार और विपक्ष दोनों एक मत हैं, कि उनको कोई परेशानी है, उनके भविष्य के साथ कोई असुविधा हुई है, तो इस मुद्दे पर सत्ता और प्रतिपक्ष दोनों उसके साथ खड़े हैं। इसे स्वीकार करने में सरकार को क्या दिक्कत थी? राहुल गांधी ने अपने बयान में, अपने भाषण में, सदन में खड़े होकर एक बार भी ये नहीं कहा, न उन्होंने आरोप के साथ कोई अपनी बातचीत शुरू करी कि सरकार पेपर लीक करवा रही है, सरकार नहीं रोक पा रही है, न राहुल गांधी ने यह कहा कि पेपर लीक में सरकार का हाथ है, न उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान इसमें दोषी है। उन्होंने तो सिर्फ ये कहा कि संदेश सदन से जाए कि सरकार और प्रतिपक्ष दोनों युवाओं के साथ हैं। सरकार को इसमें क्या सुविधा हो सकती थी? चर्चा होती, थोड़े बहुत आरोप प्रत्यारोप भी होते, संसदीय लोकतंत्र में सहज बात है। आप सरकार में तो ये आरोप आपको ही सुनना पड़ेंगे, आप नियंता हैं, सारे कार्यपालिक शक्तियां आपके पास हैं, तो आप सुन भी लेते। जवाब में आप सीना ठोक कर कहते कि इसमें जो भी दोषी हैं सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। भाई राहुल गांधी ये तो नहीं कह रहे थे नरेंद्र मोदी ने पर्चा लीक किया है, राहुल गांधी ये भी नहीं कह रहे थे धर्मेंद्र प्रधान ने पर्चा लीक किया है। सरकार कह देती कि इसमें कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो सरकार का कितना भी करीबी हो, चाहे प्रदीप जोशी हो एनटीए के चेयरमैन जो रहे, या कोई भी हो। ऐसा न करके सरकार ने अपना नुकसान दो तरह से कर लिया। एक तो ये कि जनता के बीच में फिर यह संदेश चला गया कि सरकार विपक्ष को बोलने देना नहीं चाहती,
राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जो वहां विपक्ष के नेता हैं उनका माइक म्यूट किया गया, लोकसभा में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है उनका माइक म्यूट किया गया। सरकार का जो दूसरा नुकसान हुआ वो ये तो हुआ ही कि जनता के बीच में ये संदेश चला गया कि सरकार इन्हें बोलने नहीं देना चाहती, दूसरा ये चला गया कि कुछ तो गड़बड़ है, कहीं सरकार के ही लोग इसमें लिप्त तो नहीं है, इसलिए सरकार इस चर्चा से बचना चाहती है। ये दो संदेश सरकार के खिलाफ जाएंगे। तीसरा संदेश और है जो विपक्ष के ही पक्ष में जाएगा कि देखिए जनता से के वोटों से चुनकर सरकार भी बनी है और विपक्ष भी उन्हीं के वोटों से है, लेकिन विपक्ष आज भी जनता के मुद्दों पर बात करना चाहता है। पूरा चुनाव विपक्ष ने संविधान और लोकतंत्र के मुद्दे पर लड़ा, अब चूंकि सरकार बन चुकी है संविधान को वो लगातार रिपीट कर ही रहे, आज भी प्रवेश करते समय जय संविधान का नारा लगाया, लेकिन आज उन्होंने फिर एक बार ये स्थापित कर दिया कि प्रतिपक्ष में बैठे लोग जनता के असल मुद्दों पर बात करना चाहते हैं और सरकार और सत्ता में बैठे लोग क्या कर रहे हैं। बात नीट की हो रही है, सुधांशु त्रिवेदी जवाहरलाल नेहरू को जवाहरातों के लाल बता रहे, नरेंद्र मोदी रेलवे स्टेशन पर दौड़ने वाले लाल थे, केटली लेकर दौड़ते थे, पता नहीं वो कौन सा स्टेशन था, कब बना था, कब वे चाय बेचते थे। कुल मिलाकर सत्ता के पास जनता के सवालों पर चर्चा करने का साहस नहीं है और विपक्ष जनता के देश के सवालों पर चर्चा करना चाहता है, तो तीनों कोण से आज सरकार घाटे में रही है और विपक्ष ने कुछ स्कोर हासिल किया है। जी आनंद जी। जी जी, मैं डॉक्टर राकेश, चूंकि वो बात उठ गई है हेमंत सोरेन वाली, तो मैं उस पर एक छोटी टिप्पणी इसलिए ले लूं। ऐसा माना जा रहा है कि हरियाणा के इलेक्शन तक वो अरविंद केजरीवाल को बाहर नहीं आने देंगे, सीबीआई से निकलेंगे, कोई दूसरा केस करेंगे, वो बाहर नहीं आने देंगे। हेमंत सोरेन अगर बाहर आ गए हैं तो आपको क्या लगता है, क्योंकि इलेक्शन तीन जगह है, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड, झारखंड, वो फिर कोई ना कोई चाल चलेंगे कि जिससे हेमंत सोरेन फिर से अंदर चले जाएं? और ये लोग कुछ भी कहें, जो सर्वोच्च नेता अंदर चला जाता है तो बिल्कुल पोल परफॉर्मेंस अफेक्टेड होते हैं। इसको जो भी पावर पॉलिटिक्स को देखा है, हम सब लोगों ने बहुत पास से देखा है, जो भी देखता है उस पर अफेक्टेड होता है। तो आपको क्या लगता है कि ये हेमंत सोरेन आ तो गए हैं बाहर, लेकिन फिर ये झारखंड इलेक्शन तक इन लोगों को बाहर नहीं रहने देंगे, ऐसा जो इनकी एक योजना है और खास करके अमित शाह साहब की, उसमें आपको मैं इसलिए आपसे पूछ लू। और एक मैं शिखा सिंह राय जी हैं, आप एक ही को स्पैम मत करिए, एक ही उसको बार बार चला रही, मेरे आग्रह है उसको बार बार मत चलाइए। डॉक्टर राकेश जी, देखिए जब शुरू में आपने आपातकाल का सवाल उठाया था, उसी से हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, उनका जेल में रहना, ये सब अंतर संबंधित है, आपस में इनका रिश्ता है। ये वही अघोषित आपातकाल है जिसका जिक्र अभी धर्मदास जी कर रहे थे कि धर्म इस दौर में 10 साल में क्या क्या इस देश ने नहीं देख लिया। नरेंद्र मोदी जब लोकतांत्रिक तरीकों से विपक्ष से नहीं निपट पाते तो वो चाहे राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, हेमंत सोरेन हो, उद्धव ठाकरे हो, या तो वे सरकारों को गिराने का खेल करते हैं, पार्टियों को तोड़ने का खेल करते हैं, या येन केन प्रकारेण नेताओं को जेल भेजने का, या राहुल गांधी जैसे नेता की संसद से सदस्यता को समाप्त करने का, उनका घर भी खाली करा लेते हैं। आपातकाल की बात हम कर रहे हैं तो थोड़ा सा याद दिला दें हमारे दर्शकों को, यद्यपि 2-3 दिन में बहुत लोगों ने याद दिला ही दिया होगा, पहले तो ये संसदीय लोकतंत्र में कदापि स्वीकार नहीं है कि लोकसभा अध्यक्ष जो किसी दल का नहीं रहता, जिस दिन वे संधि पर बैठे थे प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और संसदीय कार्य मंत्री उन्हें लेकर गए थे, उसके बाद जितने लोगों ने उनका स्वागत किया, जितने ने बधाई दी, कई लोगों ने कहा कि अब ना आप कांग्रेस के हैं ना बीजेपी के, आप तो सदन के अभिभावक हैं, गार्डियन है, कस्टोडियन है इसके, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 50 साल पुराने एक विषय पर निंदा प्रस्ताव पारित कराया। ये हर तरह से अनुचित था क्योंकि उस वक्त जो इमरजेंसी लगी थी वो संविधान सम्मत थी, संविधान में उसका प्रावधान था, उसके बाद लगाई गई थी। अभी मैं चूंकि समय नहीं है इसलिए उन बातों का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं कि किन परिस्थितियों में लगी थी। 24 जून 1975 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली में सेना से बगावत का आह्वान कर दिया था, वो बगावत ही थी कि आप सरकार के आदेश का पालन न करें। आज जरा आंख बंद करके एक बार कल्पना करके देखिए, राहुल गांधी कह दें
कि दिल्ली पुलिस सरकार के आदेश का पालन न करे, सेना तो छोड़ दीजिए, ट्रैफिक पुलिस सरकार की बात न माने, इतना ही अगर राहुल गांधी कह दें तो राहुल गांधी जिंदगी भर के लिए जेल में होंगे इस सरकार की। तो आपातकाल की परिस्थितियों पर हम बात नहीं कर रहे, उसमें जो जुल्म हुए, जो अत्याचार हुए, उस सब के हम खिलाफ हैं, हम आपातकाल के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। लेकिन जब निंदा प्रस्ताव बीजेपी की सरकार पारित करा रही है तो वो ये भूल जाती है कि उसका पितृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपातकाल के पक्ष में था उस वक्त। बाला साहब देवरस चिट्ठियां लिख रहे थे श्रीमती गांधी को, अटल बिहारी वाजपेयी बंगाली मार्केट में चाट खा रहे थे आपातकाल के दिनों में, 6 चिट्ठियां हैं उनकी। तो अनुशासन पर्व कहा जा रहा था आपातकाल को उस वक्त, और इस अघोषित आपातकाल के दौर में उस घोषित और संवैधानिक प्रक्रिया से लगाए गए आपातकाल की निंदा उतनी ही निंदनीय है जितनी और कोई घटना ऐसे संवैधानिक लोकतंत्र में हो सकती है। और वो प्रधानमंत्री जो इस देश पर कुर्बान हो गई, आप 50 साल बाद उसकी आलोचना कर रहे हैं, निंदा प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करके इस सरकार ने भविष्य के लिए भी एक रास्ता खोल दिया है। कभी ना कभी ऐसा हुआ, किसी और पार्टी की सरकार हुई, किसी और गठबंधन की सरकार हुई, तो गुजरात पर, गोधरा पर भी कोई ना कोई निंदा प्रस्ताव आ सकता है। निंदा प्रस्ताव नोटबंदी के दौर में मरे लोगों पर भी आ सकता है प्रधानमंत्री के खिलाफ, कोविड की नाकामियों पर भी आ सकता है, मणिपुर पर भी आ सकता है, चीन पर भी आ सकता है। जिसके पास संख्या होगी वो प्रधानमंत्रियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करने लगेगा। तब से लेकर अब तक 50 साल में 5 तो कांग्रेस की सरकारें बन गई। श्रीमती गांधी ने खुद उसके लिए माफी मांग ली थी कंधमाल उड़ीसा में अपने भाषण में 77 के बाद। 3 सरकारें कांग्रेस के समर्थन से बन गई इस देश में। अब इस निंदा प्रस्ताव का क्या होगा? ये नॉन इश्यू को इश्यू बनाने की कोशिश है। शायद बीजेपी जानती नहीं है कि अब इस नई पीढ़ी को कोई लेना देना नहीं आपातकाल से। जिनकी स्मृतियों में आपातकाल रहा भी होगा उनमें से भी अब बहुत कम लोग बचे हैं, और जो बचे हैं वे पेंशन ले रहे हैं मीसाबंदी की। मध्य प्रदेश की सरकार ने आलोक सर अभी अभी 3 दिन पहले फैसला किया है 25 या 26 जून को ही, कि जो मीसाबंदी हैं उनके निधन पर राजकीय सम्मान, राष्ट्र के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। इस दर्जे पर चीजें चल रही हैं। तो हम विषय पर लौटे, सदन में आज जो कुछ हुआ वो उसी तरह के अघोषित आपातकाल का ही प्रमाण है, जिसमें विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाएगा। सड़कों पर आप प्रदर्शन करेंगे तो लाठियों से आपके शरीर को लहूलुहान कर दिया जाएगा, जैसे कल दिल्ली में हुआ है। यानी अब इस देश में ना आप सड़कों पर आवाज उठा सकते हैं, ना सदन में उठा सकते हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत में भी बोलने की मुमानियत है, सड़कों पर आप लाठी खाएंगे। तो मेरा मानना यह है कि ये सब वो प्रधानमंत्री कर रहा है जो अभी अपनी संसदीय पार्टी का नेता भी नहीं चुना गया है। ये भी इस देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है। मुझे नहीं मालूम, आलोक जी थोड़ा सा स्मरण कराएंगे, क्या इससे पहले इस देश के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री ऐसे शपथ ले गया कि वो अपने संसदीय दल का नेता नहीं चुना गया है? आज तक नहीं चुना गया। 4 जून को रिजल्ट निकले हुए आप कितने दिन हो गए? 24 दिन हो गए। संसदीय दल की कोई बैठक होगी भी कि नहीं होगी, इसका भी कोई संकेत नहीं है। शायद उन्हें डर है कि कहीं उस संसदीय दल की बैठक में किसी ने गुप्त मतदान की मांग कर दी, जो सुब्रमण्यम स्वामी कर रहे हैं, तो फिर उस गुप्त मतदान में कुछ भी हो सकता है। 100 सांसद तो कांग्रेसी पृष्ठभूमि के हैं बीजेपी में अभी भी। तो कुल मिलाकर ये नजारे अभी संसद से सड़क तक बढ़ते रहेंगे। और मेरा मानना तो यह है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार हर सीमा तक जाकर ये सब कर ले, देश को एक बार फिर साफ तौर पर समझ में आ जाए कि उसने किन्हें चुना है। नैतिक रूप से उन्हें नहीं चुना था, सरकार उन्होंने गठबंधन से बना ली है, लेकिन एक बार इस देश को भी समझ तो लेना चाहिए, भुगत भी लेना चाहिए इस देश को। जी आलोक।